सैमसंग अपनी फेमस गैलेक्सी एम सीरीज के अंदर दो नए फोन लॉन्च कर रहा है, गैलेक्सी एम 15 एंड गैलेक्सी एम 55। वो भी ऐसे प्राइस पॉइंट्स पे जहां पर आप में से ज्यादातर लोग एक नया फोन लेने का सोचते हो। दोनों ही फोन अमेजोन पे लिस्ट हो चुके हैं और इनके स्पेक्स देख के लग रहा है कि ये अपनी सीरीज में बेस्ट सेलर फोन साबित होंगे। आपको पहले ही बता दूं, गैलेक्सी एम 55 लगभग 25,000 के आसपास लॉन्च होगा, जबकि एम 15 लगभग 15,000 के अराउंड। सबसे पहले एम 55 की बात कर लेते हैं, क्योंकि बड़े भाई का नंबर हमेशा पहले आता है। सैमसंग अपनी एम सीरीज को मॉन्स्टर बोलता है और मॉन्स्टर वाली ताकत के लिए इन्होंने एम 55 के अंदर 7 Gen 1 डाला है, जो कि लगभग एक साल पुराना चिपसेट है। रिसेंटली नोट्स E4 आया है, जिसके अंदर स्नैपड्रैगन 7 Gen 3 देखने को मिलता है 25,000 के नीचे। लेकिन सैमसंग का सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशन और दूसरे फीचर्स आपको ज्यादा अच्छे मिलेंगे नोट्स E4 के मुकाबले। बाकी 25,000 के नीचे ज्यादातर फोन्स में आजकल हमें मीडियाटेक डायमेंसिटी 7200 प्रोसेसर देखने को मिलता है, उससे तो 7 Gen 1 कई गुना बेहतर है। और इस बार पहली बार हमें 12GB रैम का ऑप्शन मिला है एम सीरीज के किसी फोन में, यानी परफॉर्मेंस में भाई कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। बात करते हैं डिस्प्ले की। 16.95 सेंटीमीटर का फुल HD प्लस सुपर एमोलेड प्लस डिस्प्ले है 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट और स्लिम बेजल्स के साथ में। इसके अलावा 1000 निट्स की पीक ब्राइटनेस और विजन बूस्टर भी मिलेगा आपको डिस्प्ले में। वैसे मुझे नहीं लगता डिस्प्ले के बारे में ज्यादा बात करने की जरूरत है, क्योंकि भाई सैमसंग ऑब्वियसली इंडस्ट्री बेस्ट डिस्प्ले बनाता है, तभी तो एप्पल वाले भी उन्हीं के पास जाते हैं डिस्प्ले बनवाने का टेंडर लेके। मुझे क्यों तोड़ा? खैर, कैमरास की बात कर लेते हैं। ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप है 50 MP प्राइमरी OIS कैमरा के साथ, 8 MP का अल्ट्रा वाइड और 2 MP का मैक्रो शूटर भी मिल जाएगा। सैमसंग इसके कैमरास को नाइटोग्राफी मॉन्स्टर बोल रहा है, यानी कि लो लाइट में फोटोज काफी अच्छी आएगी इसके बड़े पिक्सल साइज की वजह से। बाकी भाई कैमरा में सुपर HDR वीडियोस, डुअल रिकॉर्डिंग और AI जैसे दूसरे फ्लेक्सी फीचर्स भी होंगे सैमसंग के। सबसे ज्यादा गौर करने वाली बात, इसके फ्रंट कैमरा में 50 MP का सेल्फी कैमरा है, जो काफी डिटेल्स और हाई क्वालिटी वाली सेल्फीज लेगा। यहां मैं आपको बता दूं, रिसेंटली मोटोरोला एज 50 प्रो आया था 28 से 30 हजार के बजट में, और उसके अंदर इस प्राइस सेगमेंट का ओनली 50 MP का सेल्फी कैमरा था, और मोटोरोला ने उस चीज को काफी एडवर्टाइज किया था। और उससे भी पहले लगभग 34,000 में Vivo V30 के अंदर आपको 50 MP का सेल्फी कैमरा देखने को मिलता था। वेल भाई सैमसंग ने उससे भी कम प्राइस में 50 MP का सेल्फी कैमरा दिया है, जो कि काफी अच्छी बात है, क्योंकि भाई तगड़ा कंपटीशन है और जितना ज्यादा कंपटीशन उतना ज्यादा आपका और मेरा फायदा। बात तो सही है। एक चीज और बढ़िया करी है सैमसंग ने इस फोन के साथ, भाई 5000 mAh की बैटरी तो है, लेकिन पहली बार हमें एम सीरीज के किसी फोन में 45W की फास्ट चार्जिंग मिली है, जो कि ऑप्टिमम है, ना ज्यादा फास्ट ना बहुत ज्यादा स्लो। बाकी सैमसंग गैलेक्सी एम 55 5G आपको 2 कलर और 3 वेरियंट्स के अंदर मिल जाएगा। बात करते हैं छोटे मियां एम 15 की। 6.5 इंच का सुपर एमोलेड डिस्प्ले है विद 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट एंड 800 निट्स पीक ब्राइटनेस। नो डाउट ये भी अपने सेगमेंट का बेस्ट डिस्प्ले होगा। प्रोसेसर इसमें मीडियाटेक डायमेंसिटी 6100 प्लस है, जो प्राइस को देखते हुए काफी ठीक ठाक परफॉर्मेंस देगा डे टू डे यूजेस के लिए। बाकी इसके अंदर भी ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप है 50 MP प्राइमरी, 5 MP अल्ट्रा वाइड और 2 MP मैक्रो शूटर के साथ। सेल्फी कैमरा 13 MP का है, यानी ओवरऑल कैमरा सिस्टम इस फोन का भी काफी सही है। 6000 mAh की बड़ी बैटरी है 25W की चार्जिंग के साथ। गैलेक्सी एम 15 आपको 2 वेरियंट्स और 3 कलर ऑप्शंस में मिल जाएगा। दोनों ही फोन एंड्रॉइड 14 के साथ आते हैं, जहां पर 4 जनरेशन के OS अपडेट और 5 साल के सिक्योरिटी अपडेट आपको मिल जाएंगे। बढ़िया वन UI एक्सपीरियंस मिलेगा, जहां पर गैलेक्सी के कुछ तगड़े फीचर्स जैसे कि टैप एंड पे, नॉक सिक्योरिटी, वॉइस फोकस और क्विक शेयर मिल जाएगा दोनों ही फोन्स के अंदर, वो भी इजीली एक्सेसिबल सर्विसेज और सैमसंग के भरोसे के साथ। भाई मैं तो काफी ज्यादा एक्साइटेड हूं इन दोनों ही फोन्स के लिए। आपकी क्या राय है इन फोन्स के बारे में कमेंट्स में बताओ। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गाइस टेक केयर, पीस आउट।